Hello dear students, how are you? I hope all are fine, safe and healthy. Today I am going to teach you about chapter 9, our industries. Subtopics are cottage industry, small scale industry and large scale industries. So about these three subtopics we will study in this chapter. Before starting the chapter, it is my request, if you have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel and like the video. Okay, now let's begin with get set. Write the names of companies that manufacture these products. Ye jo mobile phone hai, butter, television, soap, car, pen, in sab ke koi na koi company hai. To in ye kahin na kahin ye prepare hui hai. To in products ki aapko companies ke companies likhni hai. ओके इनके नेम लिखने हैं. जैसे मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन भी किसी भी कई कंपनियों का होता है. बहुत सारी कंपनीज अलग अलग अपनी अपनी नेम के हिसाब से बनाती हैं. ओके तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर ऑफ मोबाइल फोन. तो कुछ एप्पल का मोबाइल फोन है किसी के पास स्मार्टफोन, और किसी के पास अपना एलजी का मोबाइल फोन है, और किसी के पास एमआई का फोन है. तो हम यहाँ पर कोई सा लिख सकते हैं, विच यू आर हैविंग, इट्स योर चॉइस कि आप यहाँ पर कौन सा लिखना चाहते हैं. तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर. और बटर, बटर जैसे बटर भी अमूल का भी होता है, सरस का बटर भी होता है. तो एनी वन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कंपनी. एंड टेलीविजन, टेलीविजन भी बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, जैसे सोनी है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं. ओके लिवानो है, तो आप कोई सा भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं. सोप, अब सोप मीन्स साबुन. तो सोप भी आप तरह तरह के सोप्स होते हैं, जैसे लक्स है, पियर्स है, और अपने बहुत सारे तरह के सोप्स होते हैं. बहुत सारी कंपनीज के लाइफ बॉय है, तो आप जो भी यूज करते हैं आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं. कार है तो आपके घर में जो कार है आप उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे. जैसे किसी के पास मारुति है, किसी के पास अपने बहुत सारी कार्स है, तो उनके नेम डिफरेंट डिफरेंट जो भी कार आपके घर में है आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं. तो बहुत सारी कंपनीज कार बनाती हैं. पेन भी बहुत सारी कंपनीज के होते हैं, तो जो पेन आप यूज करते हैं उस पेन, उस कंपनी का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं. सेलो है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पेन अपने बनाती हैं. ओके आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नाउ इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर फुलफिल मोस्ट ऑफ आवर नीड्स. जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर से के में हैं, हमारी जो रिसोर्सेज जो हमारी जो नीड्स है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफिल करती हैं. तो ये जितना भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो ये इसका जो रॉ मटेरियल है वो हमें नेचर से मिलता है. ओके मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज However, cannot be used directly. अब इसमें से बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. ऐसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं. ओके उसको हमें कन्वर्ट करना होता है पेट्रोल में. ओके सो आफ्टर कन्वर्टिंग इट चेंजेस इन टू थ्री फॉर्म, पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल. ओके तो हमें जो भी हमें अवेलेबल है होता है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स नेचर के अंदर, वो क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है. ओके फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता है, हमें क्रूड फॉर्म में मिलती हैं सारी चीजें. ओके ज्यादातर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो फिर उनको फैक्ट्रीज में कन्वर्ट किया जाता है पीपल के यूज के लिए. उनको डिफरेंट डिफरेंट उसमें मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. कैन बी यूज व्हीट, कॉटन, टी लीव्स, लॉग्स ऑफ वुड्स एंड आयरन ओर डायरेक्टली. क्या हम व्हीट को, कॉटन को, टी लीव्स को, और जो लॉग्स ऑफ वुड होते हैं टी ट्रंक में, एंड आयरन ओर, तो आयरन जो हमें अपने उसमें माइंस से मिलता है, क्या हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हमें एज ए यूटेंसिल? नो वी कैन नॉट यूज बिकॉज दे आर इन क्रूड फॉर्म. ओके किस फॉर्म में है वो बेटा? क्रूड फॉर्म में है. तो दिस इज बिकॉज दे आर रॉ मटेरियल्स, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स हैं. इनको, इनसे प्रोडक्ट प्रिपेयर किए जाते हैं. और कहाँ प्रिपेयर किए जाती हैं? इनको प्रिपेयर करने के लिए इंडस्ट्रीज खोली जाती है. उन इंडस्ट्रीज में ये मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है, वो फिनिश्ड आइटम्स में प्रिपेयर किए जाते हैं.
वी नीड टू कन्वर्ट देम, हमको उनको फैक्ट्रीज में कन्वर्ट करना होता है इनटू फिनिश्ड गुड्स और आइटम्स सच एज ब्रेड। अब जैसे व्हीट है, व्हीट को डायरेक्टली हम नहीं खा सकते ऐसे, तो किस में कन्वर्ट होगा, वो फ्लोर में कन्वर्ट होगा, फ्लोर से फिर उसको वो फैक्ट्रीज में जाएगा, तो कहीं पर उसको ब्रेड ब्रेड बनाई जाएगी, कहीं चपाती बनाई जाएगी, कहीं बिस्किट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। ओके, तो फिनिश प्रोडक्ट्स में उसको प्रिपेयर करना होता है। क्लॉथ, अब जैसे क्लॉथ है, कॉटन तो हम डायरेक्ट नहीं पहन सकते प्लांट से, तो कॉटन से पहले क्या थ्रेड प्रिपेयर होता है, थ्रेड से फिर क्लॉथ मटेरियल प्रिपेयर होते हैं ना। जैसे ये वीविंग है, तो वीविंग, ये वीविंग क्लॉथ्स और हैंडलूम इंडस्ट्री इज अ कॉटेज इंडस्ट्री, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री वीविंग क्लॉथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये पहले थ्रेड बनाए गए थे, थ्रेड से फिर ये क्लॉथ मटेरियल प्रिपेयर हो जाता है, फिर क्लॉथ मटेरियल भी अदर फैक्ट्रीज में जाता है और वहां पर उससे क्लॉथ प्रिपेयर होते हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे यूटेंसिल्स है, टी है, तो टी को भी, टी डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते, उसको भी टी में कन्वर्ट करना होता है। फर्नीचर है, हम जो ट्री, आपको इतना तो मालूम है कि भाई ट्री से फर्नीचर बनता है, लेकिन जो फर्नीचर है वो प्रिपेयर किया जाता है किससे, वुड से, जो ट्रीज की वुड होती है उससे प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में। एंड यूटेंसिल्स बिफोर वी कैन यूज देम, और जैसे आयरन है, आयरन और उसमें भी और मिक्स किए जाते हैं कुछ मिनरल, तो उससे फिर स्टील बनता है, स्टील से फिर यूटेंसिल्स प्रिपेयर किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स इन अ फैक्ट्री। अब जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल जो हमें नेचर से मिला है, जो हमें एनवायरमेंट से मिला है, वो किस में कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश्ड गुड्स, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है किस में, एक फैक्ट्री में। एक फैक्ट्री का वर्क क्या होता है, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल, फैक्ट्री क्या होती है, ये इंडस्ट्री क्या होती है, वहां पर रॉ मटेरियल को से प्रोडक्ट रिपेयर किए जाते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड अ फैक्ट्री और एन इंडस्ट्री। The process of making a particular product using machines in a factory is called an industry. Now question arises here कि what is an industry? Industry क्या होती है, इसको समझना जरूरी है। आप इसको practice notebook में note कर लीजिए, so that you could learn the answer right now. Okay? The process of making a particular product, जो एक product को बनाने का जो process है और जिसको बनाने के लिए मशीन्स को यूज किया जाता है फैक्ट्री में, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। अब जैसे एक इंडस्ट्री ओपन की, वहां पे स्विंग मशीन्स रख दी और वहां पे लेबर को भी अपॉइंट कर लिया, तो लेबर क्या करेगी वहां पे, उस स्विंग मशीन में क्लॉथ को स्टिच करेगी और क्लॉथ को प्रिपेयर करेगी, किससे प्रिपेयर करेगी, रॉ मटेरियल से। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। Raw materials, machines, power supply, human labor, money and transport are some things needed to set up an industry. Suppose आपको एक factory को open करनी है या आपको एक industry open करनी है, तो आपको क्या क्या requirements होगी, क्या क्या चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले रॉ मटेरियल्स जिससे आप आइटम या प्रोडक्ट बनाएंगे, मशीन्स चाहिए आपको उसको प्रिपेयर करने के लिए, ओके, फिनिश्ड आइटम्स को बनाने के लिए मशीन्स चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए। पावर सप्लाई यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पर है समय ने पावर सप्लाई मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कि किससे रन करेगी वो मशीन, जैसे स्विंग मशीन भी है तो इलेक्ट्रिसिटी से रन करेगी, या और भी मशीन है जैसे कार बनाने की मशीन है, या फिर अपने बाइक बनाने की मशीन है, या फिर चेयर बनाने की मशीन है इंग्लिश की, तो आप उसमें क्या चाहिए, उसमें मशीन्स चाहिए और उन मशीन्स को रन करने के लिए पावर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से रन होगा। जैसे टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, तो वो सब कहाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को रन करने के लिए पावर सप्लाई अपने को चाहिए होती है। एंड ह्यूमन लेबर चाहिए, अब उसको भी ऑपरेट करने वाला कौन होता है, ह्यूमन लेबर ही तो उसको मतलब यूज करेगी मशीन्स को। मनी एंड ट्रांसपोर्ट, मनी भी चाहिए, भाई फैक्ट्री ओपन करेंगे तो मनी तो चाहिए चाहिए अपने को, विदाउट मनी हम कैसे ओपन कर सकते हैं, तो मनी इज मस्ट टू ओपन एन इंडस्ट्री। एंड ट्रांसपोर्ट आल्सो इज आल्सो वेरी नेसेसरी पार्ट, सो ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी पार्ट टू ओपन एन इंडस्ट्री। तो ट्रांसपोर्ट क्यों चाहिए, ट्रांसपोर्ट इसलिए चाहिए कि हम पहले रॉ मटेरियल ला रहे हैं, फिर उससे प्रोडक्ट प्रिपेयर करके हमको मार्केट में भी तो भेजना होता है सेल आउट करने के लिए, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी चाहिए होती है। ओके, तो ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी थिंग्स टू ओपन एन इंडस्ट्री। So you must note down in your practice notebook. सारे आप जल्दी से अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। Are some things needed to set up an industry? Yes. Now types of industries. अब इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं?
ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अब साइज के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज आर ऑफ थ्री टाइप्स. थ्री टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं, दे आर कॉटन इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. तो साइज के अकॉर्डिंग, साइज के बेस पर थ्री टाइप्स की इंडस्ट्रीज हैं, दीज आर कॉटन, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. कॉटेज इंडस्ट्रीज, अब कॉटेज इंडस्ट्रीज आर सेटअप बाय पीपल इन देयर ओन होम्स. अब जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो पीपल अपने घर में भी उसको ओपन कर सकते हैं. दैट इज वाई द नेम इज गिवेन कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो हाउस में भी खोली जा सकती है, होम्स में भी खोली जा सकती है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री. क्लियर एवरीवन? ओके. अ फ्यू पीपल वर्क विद सिंपल टूल्स एंड यूज रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नियर बाय. अब यहाँ पे हम जो अपनी जो हाउस बेस्ड, जो होम बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें सिर्फ कुछ ही लोगों की जरूरत होती है. कुछ ही लोग पीपल काम करते हैं, वर्क करते हैं विद सिंपल टूल्स, और ज्यादा कुछ बड़े टूल्स नहीं, इसमें सिंपल टूल्स यूज होते हैं और यूज रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है उनको, अवेलेबल नियर बाय, जो आस पास के एरिया में उसको इजिली अवेलेबल हो जाए, ऐसा वो रॉ मटेरियल यूज करते हैं. सम सच इंडस्ट्रीज आर वीविंग क्लॉथ्स, जैसे कि वीविंग क्लॉथ की इंडस्ट्री हो गई, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल यानी कि ऑयल बनाने की इंडस्ट्री हो गई, और ग्राइंडिंग फ्लोर आटे की चक्की हो गई, जहाँ पे फ्लोर को वीट से फ्लोर बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग फ्लोर मिल. एंड आर मेकिंग टॉयज, टॉयज बनाने की इंडस्ट्री है ना. तो ये सब क्या है, ये कॉटेज इंडस्ट्री के इसके एग्जाम्पल्स हैं. बास्केट मेकिंग, तो बास्केट भी घर पे बनाई जा सकती है. एंड लेदर गुड्स और लेदर की आइटम्स भी घर पे प्रिपेयर किए जा सकते हैं. और सेरेमिक के जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये भी होम बेस्ड इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए जा सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में. ओके, जैसे मूर्तियां हैं भगवान की, तो ये भी आप घर में कोई भी आइडल है उसको बना सकते हैं, घर में ओपन कर सकते हैं इस तरह की इंडस्ट्रीज. क्लियर एवरीवन? यस. नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अब कौन सी होती हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय अ फ्यू वर्कर्स, इसमें कुछ लोगों को, कुछ वर्कर्स को अपॉइंट किया जाता है. एंड यूज स्मॉल मशीन्स, और छोटी छोटी मशीन्स यूज की जाती हैं लाइक दिस. ओके, पीपल वर्क इन अ स्मॉल फैक्ट्री, और लोग जो है छोटी फैक्ट्रीज में काम करते हैं. दे मेक यूटेंसिल्स, वो बर्तन बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं यानी कि क्लॉथ स्टिचिंग करते हैं, और होइजरी आइटम्स भी प्रिपेयर करते हैं, जैसे आपकी वेस्ट हो गई, आपके ओके आपकी वेस्ट हो गई आपकी, है ना, तो ये होइजरी आइटम्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं. एंड इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स, और इलेक्ट्रिक जो जैसे छोटे छोटे आइटम्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे बल्ब बनाना हुआ या आपके बहुत सारी चीजें हैं, अपने चार्जर है या कुछ भी है, छोटे छोटे आइटम्स वो हैं इलेक्ट्रिकल, वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनाए जा सकते हैं. और प्लास्टिक आइटम्स भी, जैसे बकेट है, मग है, तो प्लास्टिक के चेयर है, तो बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ ही लेबर की जरूरत होती है. नाउ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, कितने लोगों की जरूरत होती है? थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स. सी द डिफरेंस, आप इसको नोट कर लीजिएगा प्रैक्टिस नोटबुक में. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, वो अपनी इंडस्ट्रीज में थाउजेंड से भी ज्यादा लोगों को अपनी फैक्ट्री में अपॉइंट करती है. अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद बिग मशीन्स, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, और हाईली ट्रेन्ड वर्कर्स आर नीडेड, और जिन्होंने उस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने की एजुकेशन ली है, उसकी ट्रेनिंग ली है, वही वर्कर्स वहां पर अपॉइंट किए जाते हैं इस तरह की फैक्ट्रीज में, जैसे शिप बिल्डिंग है या फिर आपके ट्रेन कोचेज हैं, ट्रेन को बनाने की मशीन ये फैक्ट्रीज है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, या एरोप्लेन बनाने की है, तो ये हर कोई थोड़ी ना बना सकता है बेटा, है ना. तो इसके लिए जिन्होंने उसको बनाने की ट्रेनिंग ली भी है, उसकी एजुकेशन ली भी है, सिर्फ वही वहाँ पे स्किल्ड और हाईली ट्रेन वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूड टेक्सटाइल मिल्स, जैसे टेक्सटाइल मिल्स होती है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी जो टेक्सटाइल जो अपने क्लॉथ प्रिपेयर किए जाते हैं टेक्सटाइल्स, ओके, तो उस तरह की मिल्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उसमें थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स रखे जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं. आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ओके, एंड ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड रेलवे इक्विपमेंट्स, जैसे रेलवे के जो ट्रेन्स हैं वो बनाई जाती हैं, कार
और बाइक्स, तो ये सब कहाँ है, एरोप्लेन, ये सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, इनके लिए बहुत लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ओपन करनी पड़ती है और स्किल्ड लेबर को रखना होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली लोकेटेड इन एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है सिर्फ उन्हीं एरियाज में उनको खोला जाता है, ओपन किया जाता है जहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स है, जो उनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना मैडम, वो इजीली अवेलेबल हो जाए, तो बस वही उसी प्लेस पे ये ओपन की जाती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन और नियर बिग सिटीज, और कुछ इसमें से कुछ तो पास में ही और कुछ बिजी बिग सिटीज के नियर में स्टेब्लिश की जाती हैं, लोकेट की जाती हैं, ओपन की जाती हैं। शो द लोकेशनशिप बिल्डिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर बड़े बड़े शिप्स बनाए जाते हैं। नाउ यू कैन सी द मैप, ये अपने किसका मैप है, जहाँ पर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, आयरन स्टील प्लांट्स हैं, रेलवे इक्विपमेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, शिप बिल्डिंग है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसके लिए यहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, जैसे शिप बिल्डिंग है तो यहाँ शिप्स बने हुए, तो कोची में शिप रिपेयर किए जाते हैं। ओके, कोस्टल एरियाज में जो प्लेसेस हैं, हाँ, और जहाँ चेन्नई, यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं, ये भद्रावती में प्रिपेयर, मरमा गांव में प्रिपेयर किए जाते हैं। ये तो ये जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैप में, जैसे टेक्सटाइल से, तो ये टेक्सटाइल का सिंबल है, तो जहाँ जहाँ पर ये सिंबल है तो वहाँ पर ये अपने टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज ओपन की गई हैं, और आयरन स्टील प्लांट के लिए सिंबल है, तो जहाँ जहाँ ये सिंबल है वहाँ पर ये आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आयरन और स्टील प्लांट ओपन किए गए हैं। ओके, जैसे विशाखापट्टनम है तो ये शिप बिल्डिंग का है, एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये वाला सिंबल जो है जहाँ बना हुआ है, तो वहाँ पर ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। ओके, जैसे एयर बेंगलुरु, ओके बेंगलुरु में होती है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये हाउस बेस्ड इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है जो पिक्चर है। तो ये अपने आयरन से बने हुए जो टूल्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो यार आयरन स्मिथ हो गया, और यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे प्लास्टिक टॉयज प्रिपेयर किए जा रहे हैं, प्लास्टिक आइटम्स, प्लास्टिक गुड्स, और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट आइटम प्रिपेयर किए जा रहे हैं। ओके, ये छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना। व्हाट्स रिसोर्स क्या होता है, सब नोट कर लीजिए इसको जल्दी से प्रैक्टिस नोटबुक में। ओके, बी स्मार्ट स्टूडेंट्स, सबको स्मार्ट बनना है या नहीं बनना है, अपनी वोकेबुलरी एनहेंस करने के लिए आपको ये प्रैक्टिस नोटबुक में लिखने हैं। सो स्टार्ट राइटिंग, बी क्विक। ओके, रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है, एनी मटेरियल दैट सेटिस्फाइज अवर नीड्स। रिसोर्स क्या होता है बेटा, जो ऐसा मटेरियल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। अब हॉइजरी क्या होता है, आइटम्स सच एज स्टॉकिंग्स एंड सॉक्स, दैट इज कॉल्ड हॉइजरी आइटम्स। ऑयल रिफाइनरी क्या है, अ ह्यूज फैक्ट्री मींस, ह्यूज मींस अ बिग फैक्ट्री वेयर क्रूड मिनरल ऑयल इज मेड प्योर। तो जहाँ पे क्रूड मिनरल ऑयल को प्योर बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑयल रिफाइनरी। क्विक रिकैप, रॉ मटेरियल्स नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स बिफोर दे कैन बी यूज्ड टू सेट अप एन इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, पावर सप्लाई, काउंट ऑन योर फिंगर्स, लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट आर नीडेड। ये चीजों की जरूरत होती है इंडस्ट्री ओपन करने के लिए। काउंट ऑन योर फिंगर, नंबर वन रॉ मटेरियल, नंबर टू मशीन्स, फिंगर अपने रेज करते जाइए, और नंबर थ्री पावर सप्लाई, नंबर फोर लेबर, और नंबर फाइव मनी, और नंबर सिक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, गुड क्वालिटी फैसिलिटी ऑफर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो रिक्वायर टू ओपन एन इंडस्ट्री। तो कितने आइटम्स होंगे अपने, सिक्स आइटम्स आर रिक्वायर टू ओपन एंड टू सेटअप एन इंडस्ट्री। सो रिमेम्बर दिस। ओके, बेस्ड ऑन साइज, और साइज के अकॉर्डिंग भी जो है अपनी इंडस्ट्रीज होती हैं, देयर आर बेस्ड ऑन साइज, नंबर वन कॉटेज, नंबर टू स्मॉल स्केल, नंबर थ्री लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नोट डाउन इन योर प्रैक्टिस नोटबुक ऑल ऑफ यू। वाओ, वेरी गुड स्टूडेंट्स। Now, cottage industries use simple tools and locally available raw materials. Okay, तो cottage industries में simple tools use होते हैं और उनके nearby area में raw materials available होता है। Okay, तो वहां पर ये cottage industries open की जाती हैं houses में।
होम बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, इम्पोर्टेड इंडस्ट्रीज, क्लियर। एंड सम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल मशीन्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज स्मॉल मशीन्स, वर्क इज डन इन अ स्मॉल फैक्ट्री, ओके। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नीड ट्रेन्ड वर्कर्स एंड बिग मशीन्स। टेक्सटाइल मिल्स, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गुड्स, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर आर सम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और इन इंडिया, ओके। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी सारी एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन करूंगी, ओके। वर्कशीट भी और एक्सरसाइजेस भी आपके प्रैक्टिस के लिए, तो उसको वॉच करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।